हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन टू चौहान कोचिंग क्लासेस डुगा। माय स्पेशल ब्लेसिंग एंड थैंक्स टू ओवर अ स्पेशल टीचर मिस्टर अमीज मेथड ऑफ टीचिंग वेरी पॉपुलर इन चिंता वैली। अगेन थैंक्स हिम फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट हु गेव मी स्पेशल अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म ऑन द स्टेज एंड ऑल्सो थैंक्स टू मिस्टर अनीश राजपूत who gave us precious time to show our talent with his special art of videography and thanks to all of you and your excellent support. I am Simran here, that's I am going to introduce all of you one by one. Now I would like to invite Miss Komal Kotwal. Thank you Simran Thakur. I am Komal Kotwal. My topic is about matter. Matter is defined as anything that occupies space and possesses mass. Examples are cloth, iron, water, milk, oil, air, etc. Classification of matter. Physical classification. It includes solid, liquid, gas. Number 1. Solid state. Having a definite shape and a definite volume. Example. Sugar, iron, gold, etc. Number 2, liquid state, having a definite shape but not a definite volume. Example, water, milk, oil, etc. को हम किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो उसी की तरह शेप बन जाएगा. Number 3, gaseous state, neither definite shape nor definite volume. For example, hydrogen, oxygen, carbon, etc. Now, chemical classification. Number 1, element, pure substance that can neither be created nor destroyed from simple substance. For example, iron, gold, copper, etc. Second is mixture, substances that are made of two or more pure substances in any ratio. Third, compound. It is formed by combination of two or more elements. That's all. Thank you. Thank you for listening, Ms. Komal. Now I would like to invite Mr. Aditya Kotwal. Thanks, Ms. Simran Thakur. I am Aditya Kotwal here. My topic is about difference between compound and mixture. Compounds are formed by means of chemical change. Compounds are always homogeneous in nature. It possesses sharp melting points and boiling points. Now mixtures are formed by means of physical change. Mixtures are always heterogeneous in nature. It has no sharp melting point and boiling point. Thanks Mr. Aditya Kotwal. Now I would like to invite Shagun Chauhan. Thank you Simran Thakur. Myself Shagun Chauhan. So my topic is reflection of light. तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि मतलब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है और वहां से बेंड होती है, तो उस बेंडिंग ऑफ लाइट को, उसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ। ये आ गया मिरर। तो जब रिफ्लेक्ट मतलब जो लाइट है वो जब मिरर पे पड़ेगी और जब लाइट मिरर से स्ट्राइक करेगी तो उस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। फिर उसके बाद आ गया जब ये लाइट मिरर पे पड़ेगी और जब वहां से रिफ्लेक्ट होगी तो उस रिफ्लेक्शन को बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। फिर उसके बाद आ गया हमारा, अब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ये जो परपेंडिकुलर है ये आ गया। फिर उसके बाद जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है वो सभी सेम प्लेन पे लाई करती हैं। फिर आ गया हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो दोनों इक्वल होते हैं, तो आ गया हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू मिस शगुन चौहान। नाउ आई वुड लाइक टू इन्वाइट मिस रितिका चौहान ठाकुर। आई एम रितिका चौहान हियर एंड माई टॉपिक इज अबाउट
प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर्स कौन है? प्रोड्यूसर जैसे कि जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, किसकी हेल्प से? सनलाइट और वाटर की हेल्प से। प्रोड्यूसर्स में कौन आते हैं? प्लांट्स आते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। उनके अंदर एक प्रोसेस होता है कि हमने बहुत पहले पढ़ रखा है, बहुत पीछे क्लासेस में पढ़ रखा है, 6th और 7th क्लासेस में, कि जो प्रोड्यूसर्स है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, किसकी हेल्प से? फोटोसिंथेसिस की हेल्प। उनके अंदर एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। और सेकंड आगे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। किसके लिए? अपनी खुराक के लिए, फूड के लिए। और जो कंज्यूमर है उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट हर्बीवोर, सेकंड कार्निवोर एंड थर्ड ओमनिवोर। हर्बीवोर्स ये भी हमने बहुत पहले पढ़ रखा, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहूंगी। जो हर्बीवोर है वो ऐसे एनिमल्स है जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, और कार्निवोर्स कार्निवोर्स जो सिर्फ क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। हर्बीवोर की एग्जाम्पल आ गई कर्व, बुफेलो एट्सट्रा, और जो कार्निवोर है उनकी एग्जाम्पल आ गई लाइन, टाइगर एट्सट्रा। मतलब थर्ड आ गया हमारा ओमनिवर्स। ओमनिवर्स ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, जो अपना मतलब कि जो ओमनिवर्स ऐसे जानवर जो मीट भी खाते हैं। और सबसे पहले एग्जांपल जो हम ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स जो है वो मीट भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं। और सेकंड एग्जांपल आगे जैसे इसकी डॉग, कैट एट्सेट्रा। डिकम्पोजर्स, डिकम्पोज ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो डेड एनिमल्स या प्लांट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। Now lastly, I would like to invite myself Anish Rajput. My topic is about Ohm's law. तो सबसे पहले इसकी statement, keeping physical conditions such as temperature etc. constant, the potential difference V, the potential difference between the ends of the conductors is directly proportional to the current flowing through it. That is, V is directly proportional to I. Which means V is equal to RI. Here R is constant of proportionality, which is also called resistance of the conductor. Equal to V upon I. Resistance is defined as ratio of potential difference applied to the ends of the conductor to the current flowing through it. A single unit of resistance is ohm, which is denoted by the symbol omega. अनीश राजपूत। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है, तो हैव अ नाइस डे। थैंक यू।